व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कपिल शर्मा शो रिएक्शन। ये अनसेंसर्ड पार्ट होने वाला है जिसमें जर्सी मूवी की कास्ट, शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर और उनके पिताजी वो गए होंगे, पंकज कपूर। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं यार, उनकी एक्टिंग यार बहुत। तो कपिल शर्मा सर के चैनल से ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और फेवरेट मोमेंट जरूर कमेंट करके बताना। अनसेंसर्ड में मजा आता है, हिडन नहीं होते ना। तो लेट्स एंजॉय, रेडी? यस। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे फटाफट से, लाइक। अगर आप चाहते और कपिल शर्मा शो वीडियोस पे रिएक्ट करें तो कमेंट में कपिल शर्मा ओपी जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। मृणाल, आपको पता है क्रिकेट में पिंक बॉल भी आ गई है, क्रिकेटर मान लो, जैसे शायद भाई क्रिकेटर है इस फिल्म में। हाँ। अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए, कौन कौन से शेड्स आप चूज करेंगे बॉल्स के, मतलब आपको लगे पिंक बॉल तो ऑलरेडी है ही, और कौन से आपके फेवरेट कलर्स हैं? येलो, ओके, ब्लू, ब्लू तो जर्सी भी है। लड़कियों को पिंक कलर इतना पसंद क्यों होता है? पिंक होता है अभी क्या? अब गलत लड़की से पूछ रही हैं, काली साड़ी पहन कर आई है लड़की। ये हार्ड मोड में आई है एकदम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हमें हमारे शो के लिए फिल्म फिर मिल गया। अच्छा, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। पंकज सर से इतने सालों से मुलाकात नहीं हुई, अब हुई तो बैक टू बैक। अभी मैं कुछ दिनों पहले फ्लाइट में आ रहा था, वहाँ पे पंकज सर मिले, उन्होंने मास्क लगा रखा था, पूरे नहीं मैं दर्शन कर पाया आज। आज बहुत अच्छा लग रहा है पंकज सर आपको यहाँ पे देख के, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत स्वीट नेचर। बहुत सारे एक्टर्स जब ऐसे कभी मिलते हैं बैक स्टेज बात होती है ना, तो पंकज सर हमारी इंडस्ट्री के बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो बोलते हैं कि यार हम ना थोड़ा नर्वस होते हैं। मृणाल, आप और शाहिद भाई जी, आप जब पंकज सर के साथ काम कर रहे थे, आपका नॉर्मली हो जाता था टेक के, ऐसे फंबल होता था या नर्वसनेस होती थी? नर्वसनेस तो होती थी। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले इट वाज सच अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद हिम। जब मैंने सर से पहली बार बात की तो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। ही हैज दिस लवली एनर्जी एंड दिस क्वालिटी लाइक अ स्टूडेंट, कि आज मैं बहुत कुछ सीखूंगा। You know, you do not expect this from an actor who's done such great work. Right. I'm so happy, sir. I must say that मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ये मौका मिला आपके साथ ये काम करने का। I think you're being very kind. No, thank you, sir, so much, all of you. I'm sure Shahid will agree with me. मैं एक, you know, एक छोटी सी story. मुझे 18 साल हो गए हैं acting करते हुए। अच्छा। और फिर हमारे director जो हैं गौतम जी, उनके साथ मैं 10 दिन काम कर चुका था, बड़ा खुश थे मेरे काम के साथ। अच्छा। हग वग करते थे, कहते थे, बिकॉज उनको फिर से बना रहे थे ना, तो उनको ये था कि कहीं डाउन ना हो जाए लेवल, और बेहतर बनानी है फिल्म। तो 10वें या 11वें दिन एक सीन हुआ जहाँ डैड जो है वो कोच प्ले कर रहे हैं, कोच बाली, और मैं अर्जुन तलवार हूँ जो एक्स क्रिकेटर हूँ, और मैं साथ में खड़े होकर सिगरेट पी रहे हूँ, चाय पी रहे हैं। रियल लाइफ में मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई ऐसा सोचने की भी, लेकिन फिल्म में मुझे मौका मिला टू चिल विद डैड, यू नो, वी विल जस्ट बी चिलिंग टुगेदर। तो पहले डैड का एंगल लगा और उनका शॉट ख़त्म हुआ, तो पहला टेक और कट, और फिर डायरेक्टर आए, उन्होंने डैड को हग किया और बोला कि सर इट्स अ प्लेजर कि आप मेरे फ्रेम में हैं, अमेजिंग एंड ऑल। फिर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन लेके ना वो दूसरी तरफ निकल गए, तो मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने कहा क्या हो गया गौतम? सेड यू नो शाहिद, दिस फिल्म इज़ अबाउट योर कैरेक्टर। सेड यस सर, बट आफ्टर सीइंग योर डैड टेक्स, यू थिंक एनीबडी इज गोइंग टू लुक एट यू इन दिस सीन? So I said, he said, he is so good, he will pull all the audience. Nobody will be interested in you in this scene. I am very worried because the film is about your character. Tell you honestly, मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये भी समझता हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत परवरिश तो मैंने भी इनकी की है। आपके माँ बाप ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की है, और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह लेते हैं और इज्जत करते हैं, उसके लिए बहुत मान रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी, तो सर ये के लिए आई थी, दो तीन एपिसोड के लिए, दो दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना। मैंने तो ये सुना है कि जब ये दो एपिसोड के लिए आई थी तो इनकी डील इस वजह से नहीं आगे हो पाई, इन्होंने कहा कि पेमेंट वेमेंट को लेके पहले कुछ बवाल हुआ, इन्होंने बोला कि पेमेंट इतनी इतनी, बाद में उन्होंने कहा कुछ और बताओ, इन्होंने कहा फिर जो गाजरें पंकज सर के खाने की जितनी बच जाएंगी वो मेरी होंगी, वो डील नहीं पटी, तो फिर ये इसलिए छोड़ दिया ना। फिर उसके बाद मुझे जलवा मिली, उसमें भी पंकज और मैंने एक साथ काम किया। वाह, जलवा, क्या बात है। मुझे गाजरें नहीं, मुझे पिक्चर मिली। सर आपने इतनी फिल्में की, मृणाल आपने, शाहिद भाई आपने, मेरा तीनों सवाल है, कभी कोई ऐसा कोई आपने फिल्म करी है कि सेट पे जाते ही पहले दिन ही आपको पता चला गया ओहो फंस गए? हुआ है।
पहले तीन चार दिन पाँच दिन में एक फीलिंग आ जाती है कि यार यहाँ का थोड़ा कुछ अलग अप्रोच है काम करने का और कुछ अलग टाइप के लोग हैं ये. यू नो दो अप्रोचेज होती हैं, या तो एकदम डिस्कनेक्ट करके चुपचाप प्रोफेशनली काम करके चले जाओ, या रोज अपना सर तोड़ते रहो दीवार के ऊपर. तो पहला इंस्टिंक्ट हमेशा दीवार पे सर तोड़ने का इंसान का होता है. फिर जब बड़ी सारी दर्द होती है तो आदमी बोलता है नहीं मैं ठीक है जैसे आप बोलो जी मैं करके निकल जाता हूँ. सॉक्स पेटी में है और चाबी खो गई है, कोई मदद करो यार. सही लिखा है. वही आखिरी टुकड़ा है जिसके लिए लड़ाई होती है. लड़ाई होती है. ये टेप क्यों लगाई हुई है? आपका मुंह लीक कर रहा है क्या? ये भी बढ़िया कमेंट कर दिया. साइड पे लगा के इनोवा में लिफ्ट ले लो, कोई आपको मना नहीं करेगा. आई लाइक इट व्हेन पीपल आर क्रिएटिव. बड़ी मुश्किल से टाई बांधना सीखा था इन्होंने. कौन सी नई चीज पकड़ा दी? लगता है अभी भी कबीर सिंह गुस्से में है, फोटोग्राफर को नहीं देख रहा है. अभी भी क्या बात. ये बढ़िया था. इसमें दोनों अनसेंसर्ड भी मिल गया और वो पोस्ट का पोस्टमार्टम की तीन चार क्लिप मिल गई और अनसेंसर्ड भी था. लेकिन एक चीज तो है कि बहुत रिस्पेक्ट है पंकज सर की और उनका मतलब जो नेचुरली उनके एक्सप्रेशंस आते हैं ना स्क्रीन पर वही तो बहुत ही अलग होते हैं. प्लस वो वाली मतलब काफी सीनियर एक्टर है. बहुत वो वाली बात बताई ना कि जब वो टेक देखा तो कहा कि यार तुम्हें कौन नोटिस करेगा यार पिक्चर से तुम्हारे बारे में. वो बहुत स्वीट था वो चीज डायरेक्टर की. प्लस बोला ना कि वो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी अच्छी परवरिश इन्होंने परवरिश करी है. वो कह रही हाँ कि तुम इतना अच्छा बोल पाते हो. और जिस तरीके से मैं वेट ही करता कि अर्चना के ऊपर डायलॉग कब आएगा. हाँ, कि इनकी शुरू से इनकी आदत कपिल शर्मा सर तैयार रहते हैं अर्चना मैम के ऊपर कि बस एक बार मौका मिल जाए. हाँ, ऐसे घुमा के बात लाएंगे ना. हाँ, एकदम से कि कहा था कि जैसे इनकी जो गाजरें बचती है वो मुझे दे देना. ओ भाई साहब. हाँ, मजा आ गया ये वाला एपिसोड. और ये अभी तो अनसेंसर्ड था. अभी इसका पोस्टमार्टम पूरा आएगा. वो एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स भी आते हैं. जर्सी भी आने वाली है. आज रिलीज हुई है जर्सी मूवी. आज रिलीज हुई है. और पंकज सर की ना मैं कहीं ना कहीं एक चीज का वो चीज है कि कभी मैंने इनको ना उस तरीके से देखा कि एरोगेंट या आवाज जो है ना वो बड़ी सिंपल बहुत सादेपन में रहते. जैसे हमने इंटरव्यूज वगैरह भी देखे हैं. हाँ, और जो वो था ना वो क्लिप की साइकिल पे जा रहे थे क्या कहता आप कोई मना नहीं कर रहा सर. एक वो अच्छा था कि लगता है कबीर सिंह अभी भी गुस्से में है. फोटोग्राफर कहते हैं टाई बांधना तो मैं आज तक नहीं सीख पाया. पहली बात है टाई बांधना. और ये इन्होंने अब नई चीज बता दी. नहीं मैं तो रियल में भी टाई बांधनी नहीं आती. मुझे भी नहीं आती. आप में से किसी को आती तो कमेंट करना क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं टाई यार मेरे को इसकी एंगेजमेंट पे इसकी टाई पापा ने बांधी थी. मेरे को नहीं आती भैया टाई बांधनी. और वो भी तो था ये स्टार्टिंग में फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म फेयर की जो होते ब्लैक लेडी कहते हैं ना उसको. ब्लैक लेडी कहते हैं उसको. वो पूरी ब्लैक उसमें स्टैचू बना होता है ना उसका. तो आप लोगों को कैसा लगा अनसेंसर्ड पार्ट जरूर बताने यार. ये हमेशा ही इंटरेस्टिंग ही रहता है. और कपिल शर्मा शो स्ट्रेस बस्टर. आप कभी भी आप चाहे रिपीट एपिसोड्स देख लो बच्चों से बूढ़ों के लिए. तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ. बाय बाय. टेक केयर.